से जुड़े होने के कारण ये घटना धार्मिक रूप से भी तूल पकड़ रही है। ट्विटर पर रिंकू शर्मा जय श्री राम एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, साथ ही लोग इस घटना में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोविन, आपको बता दें कि रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर अब सीआईसी गलियारे जो है वो गर्मा गए हैं, और ऐसे में दूसरी तरफ रिंकू के परिवार के लिए मदद की भी अब शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पहल पर रिंकू शर्मा के परिवार के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिया जा चुका है। वहीं कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि सोमवार तक 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर उसके परिवार के लोगों को ये रकम दी जाएगी। साथ ही मिश्रा ने कहा कि रिंकू शर्मा के परिवार को न अकेला पड़ने देंगे और न ही कमजोर पड़ने देंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों रिंकू शर्मा को दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या कर दी गई थी। रिंकू का बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने के कारण ये घटना धार्मिक रूप से भी तूल पकड़ रही है। ट्विटर पर रिंकू शर्मा जय श्री राम एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, साथ ही लोग इस घटना में